जय जगन्नाथ। बादीपाला मंच को मोर माँ और भाई मान को पूर्व भली स्वागत करुच्ची। महान धर्मनंदन शीर्षक बादीपालार ये द्वितीय भाग परिवेशित हो तेबे आमे जो बादीपाला गुड़िक टिके टिके करुच्छू आमर पुराणा गायक मान जरिया जो परंपरा टिके लोक मान कान पड़ू सत्यर रास्ता प्रतिहिंसार नहीं सत्यर रास्ता स्वार्थ साधन नहीं सत्यर रास्ता निस्वार्थ पर निरपेक्ष भावन सत्यर प्रतिष्ठा बा वाह कि चरित्र युधिष्ठिर तेणु पार्थ को शुणिले ना पार्थ रक्षा कर भीमर कथा रिजेक्टेड भीमर कथा शुणिले ना यूर आम आरंभ हो पुणी अच्छा आमर गायक चक्रधर बारिक सी वर्तमान आमको ये विषय वस्तु विशेष जोर दे कि आमको कहे चित्रसेन गंधर्व जो शास्ति देवाप दुर्योधन को नौती से शास्ति दे पारा ना अर्जुन हाथ में परास्त है से आमको बुझे धर्मनंदन संपर्क जो कथा वस्तु थिला मु प्रथम पर्यायर महत व्यक्ति संपर्क कहू कहू समय अतिक्रांत बाबू आसिले जा बहु कथा बहु अलंकार दे कलार कुशलता प्रदर्शन हेले से जो मुक राक्षस कहीं से शत्रुता मनोभाव रखिला रखिला ये संपर्क मोर बाबू अरे से चित्रसेन गंधर्व कहीं दुर्योधन को बांधिकी नेला ये मूल कथा मो बाबू को जणा नहीं से मुक दानव किए किए से आपण मानकर हेउछि तार पितृहंतार प्रतिशोध नेबा से प्रतिज्ञा करिछि तपस्या करी वर प्राप्ति होइछि से हेउछि हिरण्यकवचर पुओ तार कवंशरे से जन्म ग्रहण करिथिला करिथिला ए जो चित्रसेन गंधर्व काहिं के दुर्योधन को बांधिकि नेला काहिं के गोटिए पद उपक्रम से डाके पार्थ पार्थ तो से नाम सुनील के रही आसुग आछा दीरते उल्का पात नहीं शून्य को बाट चित्रसेन गंधर्व दुर्योधन को तार रथ स्तंभ रे बांधि नै शून्य पथरे जाउछि दुर्योधन निराश उपाय शून्य तार समस्त शक्ति ह्रास पाई तेबे काहीं के दुर्योधन को से बांधिला गोटे महत्वपूर्ण तार महत्वपूर्ण कौन दुर्योधन तार महत्व हरई
पांडव मान कष्ट दुर्योधन एकदा सैन्य सामत नहीं घोष यात्रा मत पचरा गला शत्रु मित्र कि कहनी मना कर खोजी तेज शत्रु मित्र किभली भाव सृष्टि हम संपर्क आम को जहा जना बाबू प्रश्नर उत्तर देवा ये परदार समस्ते आज देखुं ये पाला कार्यक्रम आम सम्मुखे मोर पूर्ववर्ती गायक कहते बन बाबू आम श्री नीलाचल निखिलोत्कल पाला गायक परिषदर स्थायी सभापति आमें पद्मश्री भाव डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर भाव आम जी सम्मान दियो आम पर मुख्य हिसाब से आम आम मथानत प्रणाम जन तेब छाड़ू नही कश्चिद कश्य शत्रु नही कश्चिद कश्य मित्र हारेण शत्रुतम मित्र भाव बाबू मान कहार कही ये दुनिया रे शत्रु नुहंती कहार कही मित्र नुहंती शत्रु मित्र सृष्टि हुंती केवल व्यवहार नहीं ठीक भागवताकार जगन्नाथ दास मतरे उत्तम संगे संगे जार से जाने उत्तम संगरे संग हेले से उत्तम कथा शिखियो हीन संगते हीन गति असिक हंति जो दुंपति असिकर जदि सेई बळी भाव रे कुटिल प्रवृत्तिर व्यक्ति सहित आम संपर्क स्थापन करिबा ताठारु सेई कुटिल कथा ही सिखी व्यवहार द्वारा आमर शत्रु मित्र सृष्टि आम बनबाबू तो जन संस्कृत पंडित समय से चलुला कि ना काच कांचन संसार तथा मूर्ख जाती काच कांचन संपर्क आसिले जे भली मर्कत मणि तार मूल्य वृद्धि महत लोक संगरे पंडित संस्पर्शरे मूर्ख आसिले से भी पंडित हुए कथा घोष यात्रा कर दुर्योधन हटात तार लक्ष्य पड़गला बन पथरे केते गुड़िए सुंदरी झियो से भ्रमण करमुक व्यक्ति प्रवृत्तिर व्यक्ति दुर्योधन मंदबुद्धि संपर्णर ये झियो मानकु देखी परनारी मातृवत ज्ञान करने परिवर्ते तार मनरे आसला अलग प्रकार चिंता गहन शब्द शुणी झील माने शब्द को लक्ष्य कर चाहला बेल को केतेक व्यक्ति अस्त्र शस्त्र धारण पूर्वक आड़ को धावमान तेणु किए कि आड़े लुचिगले सर्वश्रेष्ठा सुंदरी गोटे गांधर्वी लुचि पार्लान
लक्ष्य करिवे पंडित दुर्योधन चिंता करूची ए झोटा किडे सुंदरी होई किडे सुंदरी कि होलिया सुंदरी गोटा पद वैष्णव कवि अभिमनु सामत सिंगार विदग्ध चिंतामणि ए पद ऊपर टिके दृष्टि दियो मो बनाउ नगर मुनि गण धन देखुची से सुंदरी रूपसी को तार पश्चाधावन कला इति बेगरे धाई से झी को करगत कला कुंतला कुमारी सावत से गोटा पद कहले से झी धरा पड़ी दुर्योधन हस्त कह रे मूर्ख आहार लोभरे बड़ सिरे पड़ी ये छोट पट जो था आहार खाइबा आशारे बड़ी सिस्थित खाद्य को थोप को लक्ष्य करी आशा करी मीनमा छटी मला प्राय तू मरीबु आपण मानकर से झी कौचारे मूर्ख मते धरीछु तू निश्चित भाव रे मरीबु व्यास कवि फकीर मोहन को मतरे ज्ञानीता पश सुर कवि दशास्त्रे अनुभवी मानुषरे भाग्र स्वरूप परिधान मानुषरे पाई नाहंती केही दान मानुषरे दुर्योधन कला सुंदरी ए उपदेश देउछु तो उपदेश सुनिबा पाई मोर समय ना तबे दुर्योधन आज से गांधर्वी के धरिथिबा अवस्था रे हे झीटी आज चित्कार करुची के मत रक्षा कर नारी कवि अपर्णा मतरे आकर्षण दृढ़ चित्कार कंठ रे डाकुची किए के मत रक्षा कर ये डाकटा चित्रसेन गंधर्व रे कान रे बाजिला चित्रसेन गंधर्व आज दुर्योधन रो सैन्य मान सहित समस्त को बलपूर्वक भाव
आज से रथ स्तंभ रे बांधी निराश हो दुर्योधन डाक छाड़ी मत रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर रे पार्थ मु निरक्ष भाई की रखे ये समय अविवेक हुआ ना प्रार्थना टा शुणा द्वारा आपण मान मुख राक्षस चाहिए शुणी नारद मुखर पार्थ थी पर्यत तार बड़ कार्यकारी हम ना आज पार्थं ना शुणु शुणु से चमकी पड़ा टे चाहला बेल को आकाश स्वराच्छादित होगा दुर्योधन जिते चेष्टा कला तार रथ आग को जाई पारिला ना ये चकित चित्त दईत चक्री कूत चाप को पार्थं कथा दुर्योधन चित्रसेन गंधर्व कबल पड़ी विकल डाकि हे पार्थ मत रक्षा कर ये डाकटा धर्मराज युधिष्ठिर स्मृति बेल को भेद करने द्वारा भाई विपद से पड़ी भाई की रक्षा करने कथा से शत्रु मित्र कौन सी चिंता रखा भाईर कर्तव्य ना आज धर्मनंदन महनीयता प्रकाश पाई रे पार्थ रे अर्जुन आज दुर्योधन को रक्षा कर बड़ भाई निर्देश नहीं आपण मानकर अर्जुन सर प्रयोग करद्वारा कि चित्रसेन रथ आज रुद्ध होने चेती पाथ भात ये पाद कुश नाराच पहाच चैतन्य लोप को रूपति शरीर आणला गोड़ाई अर्जुन भाई आदेश को पालन करी सर प्रयोग कला सर रे पहाच तैयार करदेला एवं युधिष्ठिर पद पर्यंत से पहाच को लंबी आसला जद्वारा कि आज चेतना न थी चैतन्य शून्य अवस्था दुर्योधन गड़ी गड़ी से पहाच रे से आज युधिष्ठिर पद तले पड़ी भाई भाई प्रति महनीयता आपण मानकर धर्मराज युधिष्ठिर महनीयता महाभारत पृष्ठ रे अनेक स्थान रे प्रकाश पाई को मदते किमा सार्ज्य कह पंथा काच वार्तिका प्रथमे चतुरह प्रश्नान ये मृताहा जीवंतु बांधवा व्यासंक मतरे धर्मराज युधिष्ठिरंकर महनीयता धर्मवक चारि भाई आज कथा न मानी पढ़ी पुष्करणी निकट रे धर्मराज युधिष्ठिर को चारोटी प्रश्न पचारी धर्मवक बाट कौन आश्चर्य कौन आपण मानकर आनंद कौन को मदते किमा सार्ज्य कह पंथा काच वार्तिका ये दुनिया रे वार्ता कौन ये चारोटी प्रश्न रो उत्तर देले कौन हेब धर्मराज युधिष्ठिर को बक कही तमर जड़े बंचे से किए बंचे तमें स्थिर कर धर्म बक को उत्तर देते महनीयता प्रकाश पाई समय ना तेरे धर्मराज युधिष्ठिर निज निजे बंचापी निज भाई माने बंचापी न कही से कही नकु बंच नकु को बंचापी से भिक्षा करण नकु विमाता पुओ हुए तो भीम मरीगले आउ आम दुई अच्छु किंतु नकुल मरीगले माद्री आउ किए अच्छी तेणु ये जो प्रकार महनीयता धर्मराज युधिष्ठिर थिला तेबे जीवा समय रे गोटे प्रश्न पचारि मो बनबाबू ये जो चित्रसेन गंधर्व दुर्योधन को बांधि ने
ता बापा नाटा सहजिया है जो ता मां नाटा कौन हो मां नाटा कौन वो बन्नो आबु मनसे रे कहिबे केकी कोला मु न कोली मो दिन बांधव हे मो दिन श्रवण मोदी ठारू मंच को आसवे ग्रहचार्य बाबू बन महान धर्मनंदन शीर्षक बादीपाला द्वितीय भागर प्रथम अंश आमर शेष है। चक्रधर बाबू वर्तमान आम आगे परेषण कले सहित अभिज्ञ साथी माने अच्छा किंतु तांकर तो विशेष सुजोग ना कहवापी ता मुझे जानूँ समय मध्य आमर सीमित तथापि तांकर अन्य गायक मान सहित पाड़िया मान सहित मुझे देख ली तांकर बादक अवश्य आम गरम रु झाल बाहर था कि बजेकर भल झाल बाहर से भल बजाऊँ रमेश चंद्र सासमल से जड़े भल गायक सागर अच्छा भल लोक साथी सागर अच्छा पुरातन संप्रदाय तांकु साधुवाद दूँ वर्तमान से आसन ग्रहण करंतु आसंतु आउ जणे प्रतिष्ठित पुरातन पाला गायक आमर जे होचंती ग्रहाचार्य महाशय वन विहारी ग्रहाचार्य तांक भागरे पड़िला मुंडी मारिया अरे चगला मन टीरे तोर बगुलिया बुद्धि छाड़ अरे चगला मन टीरे तोर बगुलिया बुद्धि छाड़ असल कथा को बुझाई कहिले असल हिमंत मंडली मोर डेरी बे श्रवण जहा जहा न्याय मान हुए आलोचन रही न्याय ठारू कर हिमंत समाज आपण मैंने शुणुले मोर पूर्ववर्ती गायक महोदय गायक अरुण चक्रधर बारिक महोदय आपण मानू शुणुले मु प्रश्न पचारि ए प्रश्न उत्तर देले देले जे महाशय टिके बगुलिया बुद्धि छाड़ी था कोण आ गया ओलिया कथा करछंती ओलिया ओलिया अरे जेते जेते वयस सरी सरी आसीबो पिलाड़िया बुद्धि हुए ना आज्ञा 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 तो बाबाग टिके पिलाड़िया बुद्धि हे गई छ केमिति आ गया शोकटा तमरो मने पड़ुनी कोटा आ गया शत्रु मित्र केमि सृष्टि होंती तो न कश्चित कस्यचि मित्रम न कश्चित कस्यचि दिरिपो न कश्चित कस्यचित मित्रम मित्रम ए दुनिया रे केही कार बंधु नुहंती न कश्चित कस्यचित रिपु ए दुनिया रे केही कार शत्रु मध्ये नुहंती ताले शत्रु मित्र आसंति केमिति ना व्यवहार मित्राणि जायते रिपवह तथा व्यवहार जेमिति उत्तम हबो सेमिति बंधुता सृष्टि हबो व्यवहार मंद हेले शत्रुता सृष्टि हबो कथाटा ठीक कहिले हेले महाशय शोकटे तल उपर कर देले हबो हबो सेमिति हबो धीमंत समाज खाली से आप शुणु महाशय चित्रसेन गंधर्व
दुर्योधन को रथ कम्बरे बांधि नौला आउ गोटे महाशय आपको शुणेली ये तो प्रतिद्वंदी बादीपला मंचना रथरांचल सारा ओडिशा चांचल्य सृष्टि करते चारिटा प्रश्न पचारिथिले धर्मराज युधिष्ठिर को यक्ष चारिटा प्रश्न आज्ञा ना केबे चारिटा प्रश्न पचा जाए हाई स्कूल पिला मानकर 25टा प्रश्न अछि कॉलेज रे 100टा प्रश्न अछि ए तो समय नहीं ना मु गोटी शोक बोलुछि आपन कहले किम आश्चर्य किम वार्ता ए जो कथा कहले चारिटी कथा आहुरी चारिटा प्रश्न सुनंतु तेन लिखिंट व्यास संस्कृत महाभारत जदि से चार्टा प्रश्न आपले अच्छी आहुरी चार्टा प्रश्न शुणु किंगसेन मित्र गृह सतह युधिष्ठिर को पचारिथिले यक्ष ए दुनिया रे प्रकृत रे बंधु किए से किंगसेन मित्र किंगसेन मित्र गृहस्थ लोक बंधु किए से आउ किए से आतुर लोक बंधु किए से एवं रोग प्रफुल्लित लोक बंधु किए से मृत्यु सहित संग्राम करुथा लोक बंधु किए से विदेशी लोक बंधु किए से विदेश रे रहुथा लोक बंधु किए से विद्या प्रवसतः मित्र विद्या होती विदेशी लोकर बंधु हूँ प्रवासी जन बंधु विद्या एवं आतुर लोकर बंधु हूँ वैद्य एवं मृत्यु सहित संग्राम कर बंधु हूँ आपंकर धर्म यही समस्त प्रश्न से पचारिथिले केवल चारटा से प्रश्न पचारना हो हिमंत मंडली मोर डेरीबे श्रवण कथा प्रसंग से कही जे युधिष्ठिर पाद तल को पलि आसी अर्जुन सर बाबा अर्जुन सर निशुणी या निशुणी मध्यम गड़ी आ युधिष्ठिर पाद तले से हस हसुची व्यंग विद्रूप करी भीमसेन डाकिले पांचाली चंड मुंड गदा विघात संचुर्णीत रुजुबलस्य सुजोधनस्य श्लोक को लेखे संस्कृत कवि भट्ट नारायण बही बेणी संगार संस्कृत कव्य से लिखिले कहले पांचाली व्यस्त हुआ समस्ते कहले वर्तमान दुर्योधन पाद तले पड़ी ए सुजोग को सुवर्ण सुजोग को हरैबा नाही यही थरे दुर्योधन को बंध करिबा धर्मानंद महानता केमिति प्रकाश पाई पांचाली कहले हाँ हाँ काल विलंबन करी दुर्योधन को बध कर मत समुच्च शिक्षा दे दुनिया दंड रे मोर मान सम्मान को बर्बाद कर दे आउ समय नहीं यही थे तो शिक्षा दियो भीम कहले व्यस्त हो पांचाली चंचत भावित चंड मुंड गदा अभिघात खूब शीघ्र गदा को बुलाई पकई घुंडायमान अवस्था करी गदा घात रे तार जानू को भग्न करी शासन को बद्ध करी सेई रक्त रे तुमर बेणी को पकाई देवी एहा होची मोर प्रतिज्ञा धर्मनंदन युधिष्ठिर कले रही जा भीम एभली व्यवहार ठीक नुहे कारण मूर्खस्य पंच चिन्हानी से जदि स्वभाव प्रदर्शक जे मूर्खर प्रतीक दीची गर्वी दुर्वचनी तथा तार भाषा ठीक नुहे जे दुर्वचन प्रकाश करे ताठारु बड़ी मूर्ख कही ना हजारे पाठ पढ़ी तौ अनंत शास्त्र अधिकारी हे तौ जितने विद्या अच्छी जदि मूर्ख स्वभाव परिवर्तन हे नाही से जदि कहा कटु भाषा कहिला ताले से दंड पाइबा दरकार से मूर्ख ओडिया भागवत लेखा अच्छी दुर्जन कुब चन बाणी मर्म विदारे तत क्षण मर्म विदारे तत क्षण मर्म विदारे तत क्षण सत्य कु करी तीक्ष्ण बाण जिड़ीबो रज तम गुण जिड़ीबो रज तम गुण जिड़ीबो रज तम गुण
बरेडी पंडित मंडली आपण मैंने शुणुले वर्तमान पांचाली की प्रतिश्रुति प्रदान कर भीमसेन मुश्चिंत भाव में दुर्योधन को बद्ध करी मोर प्रतिज्ञा खाली दुर्योधन को नहीं दुशासन बद्ध करी एक शुणा धर्मनंदन महानता कहे भीम स्वभाव ठीक नुहे से सीधा मूर्ख भाव में कहीदेला नाना प्रकार भूल कर्म कर क्षमा दरकार क्षमा गुण को जीवंत मंडली जे क्षमा देला से बड़ो जे क्षमा ग्रहण कला से बड़ो क्षमा दे दियो धर्मर दसटी लक्षण मनुस्मृति वेधुति क्षमा दमस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दश कंधर्म लक्षण प्रथम धैर्य धारण कर हे अर्जुन तमें बड़ भाई कथा मानी तक रक्षा करीम टे पगला भी करुच्छे चगला भी करुच्छे समस्त को परामर्श दे सत् परामर्श दी बुझे आम बनवासी सत जदि आम बनवासी बनवासी ने वैराग्य मान स्थान आम जोगी मान स्थान को अभी बर्तमान परिणत हो तुमको बुझाऊ जन जोगी जन वैराग्य व्यक्ति तर कौन रही दरकार आम पाखे से धर्जश्य पिता क्षमा चननी धर्ज हूँ आम मान पिता क्षमा हमर माँ शांति स्थिर गेहिरी आम गृहिणी होती शांति जे कि द्रौपदी सत्यं सुन रे दया च भगिनी आम पुत्र हूँ सत्य सत्य मरी पंडित मंडली आज कहले सत्य सत्य मरवि सत्य स्तुति चिंता मेरे भीम भई लिखिं सत्य सुनुराय आमे मेरे सत्यर आश्रय नहीं सत्यर उपासक आम पुत्र हूँ सत्य सत्य दया च भगिनी आम पाखे दया अच्छी दया प्रदर्शन कर धर्मनंदन महानता प्रकाश हो दया देखा भागवत जगन्नाथ लिखते एकाश स्कंद जीवन जार वैष्णव सेवन आपको दया प्रदर्शन करवा दरकार जी दया देखेला जार दया नहीं से चंडा सहित तो समान तेणु आम दया देखा ए व्यंग विद्रूप उपहसात्मक हस को शुणी दुर्योधन कहला भीम जगी कथा कह तुम्हें अट वृक्ष मत हिसाब से कथा बार्ता कर तुमको समस्त शिक्षा देवी जेते कहिले भीम कण मानुछि भीम तंकु निंदा करिछि भीम तंकु व्यंग करिछि भीम तंकु बदनाम करिछि चूर्णीभूत करिबी अपमान पाई दुर्योधन चली गला न चाहि पछकु पुना अपमानित भीम ठाकुर गाली गुलाज करी
निराश्रय भाई से डाकी कहले हे भाई पार्थ मत रक्षा कर रक्षा कर आमर परिणाम फलाफल कौन एया हम अपमान दल डाक पकड़े दुर्योधन दुर्योधन पछक फेरी आस डाक पकड़े दुर्योधन पछक फेरी हताश रे कहे युधिष्ठिर हे भीम तोर मूर्ख बुद्धि आज पर्यंत गला नहीं लक्ष्य करुचि से मुकदानव मुकदानव देखुचि अरे पार्थ तोर एते वीरत्व तू एते बलशाली तू एमिति करि देलु शिंडी शुणी तैयारी करि देलु तोर सरल करामति एते जहा देवर्षि नारद कहते ता सत्य खाली अर्जुन जे सेतिकी करिछन्ति ता हुए जेतेबेले सत्य हमा को गोसिंह राक्षस अपहरण कर नउथिला से समय मध्य अर्जुन शरद द्वारा समस्त पथ को रोध कर कुहड़ी प्राय कर गोसिंह रथ जाला ना से गोसिंह राक्षस को अर्जुन बध करते अर्जुन करामती कम नुह भक्त मंडल विचार करतु आज से पार्थर करामती को देखी निराश होला कौन करी यही तो पार्थ ताकू मारि मार्ई चिंता करुच्छी भय व्याकुल मन में चिंता करुच्ची मारवाक मोर सामर्थ्य दरकार दिमंत मंडली एने मुक चिन्ह देला एठारे अछंती अर्जुन ए अर्जुन को मारिबा कहले मते माया रूप को धारण करिबा पड़िबो तू सेमिति परबिनि माया रूप को धारण करी या सहित मते संग्राम करिया को पड़िबो एले दिमंत मंडली नारद कहिसंती केबे हेले पार्थ को तमे पारिबो नहि यदि पार्थ को पारिबो तले सेति शक्ति दरकार दरकार सामर्थ्य दरकार आज बरेण्य पंडित मंडली कथा प्रसंग रे ये बाधिपला मंच आलोचना समालोचना समीक्षा मध्य गति कर माननीय गायक महाशय बारिक महोदय गोटे प्रश्न पचारे चित्रसेन गंधर्व बापा ना कह भारी चतुरतार सहित से प्रश्न पचारे बापा ना मुदेवी बापा ना हूँ विश्वावश गंधर्व माँ किए से आप देखर माँ का ताराक्षी चित्रसेन गंधर्व माँ हूँ ताराक्षी धर्मनंदन महानता प्रकाश पाइला मुझे आप धर्मनंदन युधिष्ठिर से होती दुखेशु अनुद विग्रमला सुखेशु विगत स्पृहा बीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि रुच्यते से सामान्य नथिले दुख सुख पाखे सब समान थिला महानता प्रकाश पाई भाई भूल कले रक्षा करिसंती निजर भाई मानको नाना प्रकार दार्शनिक चिंताधारे बुझेछंती जदि धर्मराज युधिष्ठिर महानता प्रकाश पाइला से महाभारत दुर्योधन महानता कौ जगह प्रकाश पाई जेतेबेले व्यास सरोवर निकटने भीमसेन द्वारा गदाघात पाई तार जानुभग्न हो पड़ी से बड़े गुरु द्रोणाचार्य पु अश्वस्थामा से कही मत सेनापतित्व अभिषिक्त कर मुपाण्डवा करी पांच पंच पांडव मुंड काटी तुम निकट में पहुँची तेज जहा दुर्योधन से अभिषिक्त कर ये अस्वस्थमा जाइछि सेते बेलकु कृष्ण चतुर चिंतामणि पांडव मानकु नेइ आइछन्ति द्रौपदीकर पांच पुओ सोइछन्ति ये पंच पांडवंक पुओ पांचटी मु काटिकि आनिले अस्वस्थमा जेतेले दुर्योधन निकटरे देइछन्ति सेतिक बेले दुर्योधन तार जेते थिला दुर्गुण सब दूर होइछि जाइथिला लक्ष्मण कुमार जाइथिला अभिमन्यु जाइथिला घटोत्कच जाइथिला बेलाळसेन तुआजी कौरव कूल को निवंश करदेल वंश शून्य करदेलु से महानता प्रकाश पाई हृदय दुर्योधन आज मुझे प्रश्न पचारि महाशय को खूब सुंदर भाव में वर्णना कर पुराण में दुर्योधन महानता प्रकाश पाई द्रौपदी पांच पुत्र काटि आनी अस्वस्थमा एवं तापर विरक्ति प्रकाश कर वंशहीन कर पकेली बोली जो चित्कार कर एक प्रकाश कर उत्तर संपूर्ण ठीक इतना सन्देह अवकाश ना बरेण्य पंडित मंडली आज आम बाधिपला मंचर शेष पर्यायर आम जो प्रकार आलोचना को आणलु धर्मनंदन भीम को बुझाई अर्जुन को बुझाई ये समस्त बुझाया भितर कही हे अर्जुन हे भीमसेन गोटे कथा शुण आम संपूर्ण भाव में सत्यर मूर्तिमंत प्रतीक को प्रदर्शन कर चलीचे आमर दया हूँ आमर दया च जननी आमर माँ हूँ दया आउ कौन ना ज्ञानामृत भोजनम आम सब ज्ञान रूपक अमृत को भोजन करवा उचित उचित सज्जा भूमि तल दिशो पिवसनम
ସଜ୍ଜା ହଉଛି ଆମର ଭୂମିତଳ ଭୂମିତଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରୀ ଅଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବସୁଦ୍ଧା ଉପଳରେ ଆମେ ଶୋଇପଡୁଛୁ ଆମର ସୁନାର ପଲଙ୍କ ଦରକାର ବନବାସୀ ହେଇଛ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁନା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେଉଛି ବୋଲି ଏହା ହୀନମତିର ପ୍ରତୀକ ତାହେଲେ ଅହଂକାର ମିତି ବୃଥାଭିମାନ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ବୃଥାଭିମାନ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସୂତାରେ ସର୍ବତ୍ର ଗ୍ରଥିତ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୂତାଟିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏ ସଂସାର ରୂପ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଛୁ ତେଣୁ ହେ ଭାଇମାନେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତମେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ ହଉ ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୋ ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୋ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୀର ଦରବାରେ ସର୍ବେ ଏକସ୍ୱରେ ହରିବୋଲା ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ ଦୂର ଆମର ଦୁଇ ଗାୟକ ଅଭିଜ୍ଞ ଗାୟକ ବହୁ ପରିଚିତ ଗାୟକ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ତ ପରିବେଷଣ ଦେଖିଲି ଦେଖିଛି ତେଣୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ଏତିକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏତିକି ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହାନୁଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା କହିଲା ଆରେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ମୋର ବଂଶନାଶ କରିଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମହାନୁଭାବନା ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଯେମିତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ମହାନୁଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତଥାପି ମୁକୁଟଟା କାଢ଼ିକି ଦେଲେ ଏଇଟା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଭାବନାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ଦୁଇ ଗାୟକ ଆମର ସେଇ ପୁରାତନ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଚେତନାର ପ୍ରକଟ ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ମା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ